नमस्कार दोस्तों, वर्णमाला विशेष आज हम जानेंगे वर्णमाला से बनने वाले विभिन्न प्रश्नोत्तरों के बारे में। तो आइए चलते हैं। किसी भी भाषा की मूल ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी भाषा की मूल ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट है, वर्णों के उच्चरित रूप को अक्षर का कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों का कोई भी उच्चरित रूप क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। वहीं वर्ण अखंडित ध्वनियां हैं। वर्ण जो होते हैं अखंडित, अर्थात तो उनका खंडन नहीं किया जा सकता, इस प्रकार की ध्वनियां कहलाती हैं। नेक्स्ट है, हिंदी की वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। वहीं बात कर लेते हैं आगे, स्वर क्या होते हैं। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी की सहायता से होता है। वे ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। इनके उच्चारण में जिभ्या, जीभ जिसे बोलते हैं, होठ का स्पर्श नहीं होता। स्वरों के उच्चारण में जिभ्या व होठ का स्पर्श नहीं होता है। हिंदी में जो स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 11 पूछ लिया जाता है विभिन्न एग्जाम्स में कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है। कितनी होती है? 11। सबसे पहला आ, उसके बाद आ, उसके बाद ए, उसके बाद ई, फिर उ, रे, ए, ऐ और इसी प्रकार से ओ, औ। तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं। नेक्स्ट है व्यंजन। व्यंजन की बात करें तो वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। इनके उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। स्वरों की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, अर्थात तो स्वरों की आवश्यकता के बिना व्यंजन की कल्पना नहीं की जा सकती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 33 होते हैं। कितने? 33 व्यंजन होते हैं। वहीं 4 संयुक्ताक्षर भी होते हैं। 2 अतिरिक्त व्यंजन या जिन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, वे भी होते हैं। वर्णमाला विशेष भाग 2 में अगर बात करें तो 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्ताक्षर हो गए, वहीं 2 अतिरिक्त व्यंजन हो गए। उसके बाद एक अनुस्वार, एक विसर्ग होता है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 52 ध्वनियों का संयोग है या 52 ध्वनियाँ होती हैं हिंदी वर्णमाला में। तो चलते हैं, जानते हैं। सबसे पहले चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु किसे कहते हैं? चंद्रबिंदु का प्रयोग उन शब्दों में किया जाता है जिनमें हवा मोह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। चंद्रबिंदु का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है या उन शब्दों में किया जाता है जिनमें हवा मुख के साथ साथ या मुँह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। शब्दों को अनुनासिक बनाने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। चंद्रबिंदु जो आपका होता है इस प्रकार से किसी शब्द पे लगा होता है। वहीं तत्सम शब्दों में चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं होता है। जैसे चांद, ये तद्भव शब्द है। वहीं चंद्र हो गया तो तत्सम शब्द हो गया चंद्र। तो इन चंद्र अर्थात चंद्र जो है तत्सम शब्दों में चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि किया किसमें जाता है? तद्भव शब्दों में कह सकते हैं। हिंदी में शब्दों को बहुवचन बनाने पर वे अनुनासिक हो जाते हैं। जैसे नदी से नदियाँ, नदी से क्या हो गया? नदियाँ। हिंदी में अगर शब्दों को बहुवचन बनाया जाए तो वे क्या हो जाते हैं? अनुनासिक हो जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे खिड़की से खिड़कियाँ, खिड़की से
खिड़कियाँ। ए ओ की मात्रा के साथ जहाँ चंद्र बिंदु संभव नहीं होता वहाँ बिंदु का प्रयोग हुआ, जैसे नदियों, खिड़कियों आदि। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसमें कोई गलती हो तो कृपया माफ़ करें। वहीं नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए, जो कि वर्णमाला का भाग हम 3 लेकर के आएंगे, और इसमें जानेंगे वर्णमाला से संबंधित विभिन्न क्वेश्चन आंसर्स को। सो गाइज, धन्यवाद।